गाइस वेलकम टू करंट अफेयर पंडा। एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन स्टूडेंट अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत दिन से पैनल के इंतजार कर रहे थे। तो आरआरबी ने एक और पैनल जारी कर दिया गया है जिसमें लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का नाम आ चुका है। और ये प्रोविजनल पैनल जो था ये लास्ट पैनल था, ठीक है, ये एक लास्ट पैनल था जो कि प्रोविजनल पैनल था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए जो ALP और टेक्नीशियन वाले थे, ठीक है। इसमें लगभग पूरी की पूरी सीटें फुल हो चुकी है ALP की, ठीक है, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की भी पूरी सीटें फुल हो चुकी है। सिर्फ जो है ITI की कुछ सीटें ही खाली रह गई है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो सीटें थी वो पूरी तरह से रेलवे RRB रेलवे ने पूरी तरह से फुल कर दिया है। तो देख लेते हैं कि कौन से बोर्ड का जो ये पैनल आया हुआ था। तो आप जैसे देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, मुजफ्फरपुर का पैनल आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ लिस्ट देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द CBT 1 हेल्ड फ्रॉम, तो मैंने यहाँ कह गया कि CBT 1 यहाँ इस डेट से इस डेट तक हुआ था। फिर उनका डीवी शेड्यूल किया गया, उसके बाद उनका मेडिकल किया गया, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर दो नंबर कैटेगरी में देखिए क्या लिखा गया है, दिस इज ए प्रोविजनल पैनल Part 3, ठीक है। ये जो प्रोविजनल पैनल था वो Part 3 था एंड लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल, मतलब ये कहा गया है कि ये पैनल जो है लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल है। मतलब जिस रेलवे को जितनी वैकेंसी थी, ठीक है, तो उस वैकेंसी में जितने स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट थी वो सारे स्टूडेंट इसमें फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कोई प्रोविजनल पैनल नहीं आएगा। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है लेकिन कोई प्रोविजनल पैनल नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे ने पूरी की पूरी सीटें जो RRB मुजफ्फरपुर ने थी वो पूरी तरह से भर दी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लास्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि एक वैकेंसी को जो है नवीथल रख दिया गया है। रीज़न दिया गया है कि उनका जो मेडिकल है अभी चल रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से अनफिट नहीं है, उनका मेडिकल चल रहा है, इसलिए एक वैकेंसी को विथहेल्ड में रखा गया है, ठीक है। द पैनल इज प्रोविजनल, ठीक है, एंड डज नॉट इन एनी वे टू गिव एनी राइट कैंडिडेट्स। ये पैनल जो है प्रोविजनल है, ठीक है, रेलवे चाहे जब चाहे तब इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, जब चाहे तब इसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं लोको पायलट पोस्ट नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, स्टेशन रेलवे की है। इसमें आप देख सकते हैं लगभग 93 स्टूडेंट का नाम आ चुका है, ठीक है, लगभग जो है 93 स्टूडेंट का नाम आ चुका है, ठीक है। कैट नंबर 2 की बात कर लेते हैं जो कि हमारा लोको पायलट का ही है, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। तो इसमें आप देख रहे हैं लगभग 115 स्टूडेंट का नाम आ चुका है, ठीक है, लगभग 115 स्टूडेंट का इसमें नाम आ चुका है कैट टू में, ठीक है। तो ALP की देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो सीटें हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, ठीक है। इसलिए अगर वैकेंसी की बात करें तो लोको पायलट की बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो इस जो लोको पायलट थी हमारा मुजफ्फरनगर की, यहाँ की जो वैकेंसी थी ना वो लगभग 456 वैकेंसी थी। ALP की बात करते हैं, ALP की, ठीक है। तो इससे पहले आया था पैनल 1, ठीक है, पैनल 1 जब आया था तो उसमें कैट 1 में जो था तो उसमें लगभग 88 स्टूडेंट थे, ठीक है। कैट 2 रिलीज़ किया गया उसमें लगभग 103 थे, ठीक है। अभी पैनल 2 रिलीज़ कर दिया गया, इसमें कैट 1 में लगभग 93 है, आपको पता ही है, और 2 में लगभग आपका 115 है, ठीक है। ओवरऑल की बात कर ले तो इसमें ALP की जो सीट थी 399 है, बराबर 399 जो है ALP की जो सीट है पैनल 1 प्लस पैनल 2 को मिला के, कैट 1 कैट 2 दोनों को मिला के इतना 399 सीट फुल हो चुकी है, ठीक है। वैकेंसी कितनी है, 456 है, ठीक है। तो वैकेंसी है 456 और सीट फुल हो चुकी है कितनी, 399। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी सीटें वैकेंट है, तो 57 सीटें जो है अभी भी पूरी तरह से खाली है। इसमें तो ALP, ठीक है, कैट 1 प्लस कैट 2, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, कैट 1 प्लस कैट 2 दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो ALP में लगभग अभी 57 जो है वैकेंसी अभी भी खाली है, ठीक है। चलिए अब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन में क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं कैट नंबर जो है पोस्ट नंबर 20 कैट नंबर 25 जो हमारे टेक्नीशियन Grade 3 कैरेज इन वैगन, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं 25, ठीक। अगर इसकी मैं बात करूँ तो अभी पैनल कितने का आया है, तो 36 का आया है, ठीक है। पैनल 1 कितने का आया है, पैनल 2 कितने का आया, 36 का आया है। पैनल 1 कितने का था, 78 का था,
कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 114, पैनल 1 प्लस पैनल 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 114 हो चुके हैं। वैकेंसी कितनी की थी, तो वैकेंसी थी 214, ठीक है। सीट कितनी फुल हुई, अभी 114, कितनी बच गई है 100। तो कैट नंबर जो 25 है, लगभग यहाँ पर 100 सीटें अभी भी खाली है। तो जिनका भी कैंडिडेट ऐसे है जिनका नाम नहीं आया है, ठीक है, हो सकता है कि इसमें वेटिंग क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो है सीटें 100 खाली है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका वेटिंग इस कैटेगरी में जिनका वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है तो उनका वेटिंग क्लियर नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वेटिंग क्लियर होगा, ठीक है। अभी वैसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिनमें वेटिंग क्लियर हुआ, ALT में भी वेटिंग क्लियर हुआ है, ठीक है। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT पोस्ट जो थी 134, 136, ठीक है, इसमें भी वेटिंग क्लियर हुआ है। और कितना वेटिंग क्लियर हुआ है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है, इसमें जो हो सकता है वेटिंग क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कैट नंबर 31 की, ठीक है, 31 की बात कर लेते हैं। यहाँ आपका लगभग 14 स्टूडेंट का नाम दिया गया है, ठीक है, यहाँ लगभग 14 है। और पैनल 1 में कितने आए थे, तो 11, ओवरऑल कितनी हो गई है 25। वैकेंसी कितनी थी यहाँ, तो 27, ठीक है, आ चुकी है 25, मतलब कितनी सीटें खाली है 2, इसका मतलब वेटिंग क्लियर हुआ है इस पोस्ट में जो है आपका कैटेगरी नंबर 31, इसमें आपका वेटिंग क्लियर हुआ है भाई, देख लिया ना, अपना रोल नंबर मैच कर रहे ना, इसमें वेटिंग तो कुछ स्टूडेंट क्लियर हुआ है। ये कितने क्लियर हुआ मैं लास्ट में आपको मेंशन करके बता दूंगा कि इतनी इतनी वेटिंग क्लियर हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे हमारा है कैट नंबर 34, इसकी बात कर रहा हूँ। लगभग यहाँ 16 स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, इससे पहले पैनल आया था इसमें लगभग 29 का नाम था। ओवरऑल की बात करें तो 45 की थी, वैकेंसी थी कितनी 48, ठीक है, 45 आ चुकी है, मतलब 3 वैकेंसी अभी भी खाली है, ठीक है, कैट नंबर 34 में 3 खाली है। आगे चलते हैं कैट नंबर 35 की बात कर लेते हैं। 35 में जो है अभी आया है कितने का, 13 का, ठीक है, इससे पहले आया था कितने का, पैनल 1 की बात करें 3 का, लगभग कितने का है 16 का। वैकेंसी कितनी थी, 17 थी, 16 आ चुकी है, तो कितनी सीट खाली रह गई, लगभग 1 सीट खाली रह गई, मतलब वेटिंग क्लियर हुआ है, ठीक है। कैट 47 की बात कर लेते हैं, तो अभी कितनी का आई है, 15 का, इससे पहले पैनल 1 आया था इसमें कितनी था, तो इसमें लगभग 8 का था, 15 8 कितनी हो गई 23। वैकेंसी की बात कर ले, वैकेंसी कितनी थी, तो लगभग वैकेंसी 25 आ चुकी है, 23, कितनी सीटें खाली रह गई है, लगभग 2 सीटें जो है यहाँ पर खाली रह चुकी है, ठीक है। कैट नंबर 49 की बात कर लेता हूँ, तो कैट नंबर जो 49 है यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर अभी आ चुका है 25 का, इससे पहले पैनल 1 में आया था, पैनल 1 में आया था, ये पैनल 2 है, ठीक है, लगभग 31 सीटें फुल हो चुकी है। वैकेंसी कितनी की थी, तो 32 की वैकेंसी थी, 31 हो चुकी है, लगभग 1 सीट जो है अभी वैकेंसी वैकेंट है, मतलब 1 सीट जो है अभी के अभी भी खाली रह गई है, ठीक है। कैट 51 की बात कर लेते हैं, तो अभी जो आया पैनल 2 में, कैट 51 में लगभग 25 का, इससे पहले पैनल 1 था, तो इसमें 9, लगभग 34 का नाम आ चुका है। वैकेंसी टेबल देख लेते हैं, 38 वैकेंसी थी, 34 का नाम आया है, 4 सीट जो है अभी के अभी पूरी की पूरी खाली रह गई है, ठीक है। कैट नंबर 52 की बात कर लेते हैं, तो पैनल 1 में कोई इनका रिजल्ट नहीं आया था, तो पैनल 2 की बात कर लेते हैं, तो 2 में जो अभी अभी आया हुआ 22 आया है, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो 26 वैकेंसी थी, 22 का आ चुका है, मतलब 4 सीटें जो है अभी के अभी वैकेंट रह गई है, ठीक है। कैट नंबर 53 की बात कर लेते हैं, तो अभी जो पैनल 2 में आया हुआ है आप देख सकते हैं लगभग 25 स्टूडेंट का नाम आ चुका है, ठीक है। और पैनल 1 में 1 का आया था, लगभग कितने का आ चुका है, 26 का आ चुका है। वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी भी 26 थी, मतलब यहाँ सॉरी वैकेंसी यहाँ पर 31 थी, वैकेंसी जो थी यहाँ पर 31 थी, 26 का आ चुका है, लगभग 5 सीटें खाली रह गई है किसमें, तो 53 कैट नंबर 53 में लगभग 5 सीटें अभी खाली रह चुकी है, ठीक है। कैट नंबर 134 की बात कर लेते हैं, इसी तरह आप सब मैच खेल लीजिए, अपना अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। वेटिंग तो मैक्सिमम क्लियर हुआ है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, वेटिंग सब में ही क्लियर हुआ है। अब अपना जो है यहाँ देखते हैं कैट नंबर 134 की बात कर लेते हैं, तो कैट नंबर 134 की बात कर लेते हैं, तो अगर इससे पहले अभी कितने अभी लगभग पैनल 2 में जो आया है वो 22 का नाम आया है, पैनल 1 में आया है कितने का, तो 51 का आया था। वैकेंसी टोटल कितने होगी, तो 73, ठीक है, 73 का नाम आ चुका है। वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी भी 73 थी, इसका मतलब सीटें पूरी तरह से फुल हो चुकी है RRV मुजफ्फरपुर में, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, सारी सीटें फुल हो गई है, ठीक है। कैट 136 की बात कर लेते हैं, तो 136 में देख सकते हैं कितने स्टूडेंट का नाम आ चुका है, लगभग 15 का आ चुका है, ठीक है, 36 का पहले आया था, ये पैनल 2 का है, ये पैनल 1 का है,
ठीक है, 36 का पहला आया था, लगभग 51 का आ चुका है। सीटें कितनी थी यहाँ पर, तो वैकेंसी 51 की थी और 51 आ चुका है, मतलब जीरो। लगभग सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पूरी तरह से जो है सीटें फुल फिल हो चुकी है, कोई सीट खाली नहीं रही है, ठीक है, सारी की सारी सीटें जो है वो फुल हो चुकी है। तो अभी सवाल ये उठता है कि वेटिंग क्लियर हुआ है कि नहीं, तो वेटिंग क्लियर हुआ है, कितना क्लियर हुआ है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, बात कर लेते हैं लोको पायलट की, कैट नंबर, ठीक है, लोको पायलट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी की, कैट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, लोको पायलट की इसमें बात कर लेते हैं, तो इसमें वेटिंग क्लियर हुआ है तो कितना, अगर मेन कट ऑफ की बात करें ना, तो मेन कट ऑफ जो थी, यहाँ दिखा सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी मेन, ये आपका कैटेगरी, ये आपका कट ऑफ हो गया है, ये कैट नंबर 2 का कितने, 66.54, ठीक है, 66.54 कट ऑफ गई थी मेन, ठीक है, इसमें वेटिंग क्लियर हुआ है 0.5 से, ठीक है, 0.5 से आपका वेटिंग क्लियर हुआ है यूआर कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में मतलब जिन जिन स्टूडेंट का मार्क्स 66 है ना, उनका सिलेक्शन हुआ है एएलपी में, ठीक है, जिन स्टूडेंट का मार्क्स 66 है उनका सिलेक्शन हुआ है, 0.5 डिक्रीज हुआ है मेन कट ऑफ से एएलपी कैटेगरी नंबर 2 यूआर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं कैट नंबर 35 की बात कर लेता हूँ, तो कैट नंबर 35 ये वाला है, ठीक है, ये ठीक है, इसमें ई आर की बात कर लेता हूँ, ई आर में कितने कम हुई है, ठीक है, मेन कट ऑफ कितनी है, 64.55 है, ठीक है, देख सकते हैं 64.55 है, ठीक है, इसमें कट ऑफ कम हुआ है, तो यस कट ऑफ कम हुआ है, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 62. यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट का 62.5 पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो है 2 नंबर कम हुए हैं, ठीक है, कैट 35 में 2 नंबर का वेटिंग क्लियर हुआ है, लगभग 62.5 पे एक स्टूडेंट का हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि 2 नंबर वेटिंग क्लियर हुई है, 2 नंबर वेटिंग क्लियर हो चुकी है कैट नंबर 35 में, यू आर कम्युनिकेटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अभी एक देख लेते हैं एसएनटी की बात कर लेते हैं, पोस्ट 135, ठीक है, एस एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें यूआर की बात करते हैं, तो इसमें भी वेटिंग क्लियर हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ, कट ऑफ कितना है देख सकते हैं आप, लगभग कट ऑफ जो है आपका 80, ठीक है, यहाँ कट ऑफ दिखा देता हूँ मैं आपको, कट ऑफ कितना है यहाँ पर 88.316 है, ठीक है, मेन कट ऑफ है, तो इसमें जो वेटिंग क्लियर हुआ है 0.28 से हुआ है, मतलब बोल सकता हूँ कि मैं 88.11 वेटिंग क्लियर हुआ है, तो जिनके मार्क्स 88.11 है ना, उनका वेटिंग सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में, यूआर कम्युनिटी यूआर है, ध्यान रखिएगा कम्युनिटी यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 0.28 से वेटिंग क्लियर हुआ है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 134 पोस्ट से। सो गाइज यहाँ वेटिंग क्लियर हुआ है 100% हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिनका वेटिंग और भी इससे कम वेटिंग में हुआ है, तो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट आती है रेलवे की, सबसे पहले कोई भी अपडेट आए सबसे पहले तुरंत आपको मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।